नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे अपने YouTube चैनल पे, जहां आप सीखते हैं फोटोशॉप से संबंधित बहुत सारी जानकारियां, वो भी हिंदी में। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिटचिंग के ऊपर, कि किस तरीके से हम रिटचिंग बहुत ही इजी वे पे और बहुत फास्ट वे पे किस तरीके से रिटचिंग करें। तो देखिए, मेरे पास ये एक फोटो है, इस फोटो पे यदि मुझे रिटचिंग करना हो तो मैं कितना अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैं ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने एक एक्शन बना के रखा है ऑलरेडी, एक्शन का नाम है रिटचिंग ब्रश। इसे मैंने यहाँ पे रन किया, जैसे ही मैं रन करता हूँ ये करीब आपका 30 से 45 सेकेंड्स का समय लेगा, और जैसे ही ये रन होगा, रन होने के बाद आपको इस तरीके से आपको ब्रश दिखने लगेगा डायरेक्ट। बस आपको ये ब्रश लेना है और आपका मोड नॉर्मल होना चाहिए, ओपेसिटी 100, फ्लो 100 होना चाहिए, और यहाँ पे स्प्रेयर ऑन होना चाहिए। बस इस तरीके से आप देखिए डायरेक्टली ब्रश चलाइए। ये आपने ब्रश चलाया, और ब्रश को चलाने के बाद आप देखेंगे कि कितना स्मूथ तरीके से ये और इजी वे पे हो गया। लगभग मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे, और आपका बिफोर आफ्टर तैयार है। देखिए इस तरीके, इसमें थोड़ा और यदि मैं तड़का करूँ तो थोड़ा ब्रश छोटा करने के बाद आँखों के साइड साइड में इस तरीके से चारों तरफ चलाऊँ, जहाँ पे काजल लगाते हैं लोग, और ये लेंस के बीच में इस तरीके से चलाऊँ, देन थोड़ा लिप्स के ऊपर भी इस तरीके से मैं चला दूं। तो अभी आप देखिएगा कि यही चीज़ बिफोर इस तरीके से थी और आफ्टर अभी ये है। इसमें पूरा ग्लो आ गया, सीमलेस आपका टेक्सचर आ गया, सब कुछ एक ही बार में ये इतना बढ़िया हो गया, वो भी बहुत इजी वे पे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बहुत ज़्यादा आपको टेक्निक का ज़रूरत तब पड़ता है जब आप किसी फैशन या कॉरपोरेट लेवल का काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आपका लिमिटेड बजट में काम है और आपको वेडिंग का अच्छा काम करके देना हो, या कोई स्टूडियो के पोर्ट्रेट्स पे काम करके देना हो, तो आप इस टेक्निक के माध्यम से भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है और इसे किस तरीके से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये फोटो बंद कर दूं, और अगेन ये फोटो मैं आपके सामने ओपन करता हूं। क्लियर? जब भी आपके पास DSLR पे क्लिक किया हुआ फाइन क्वालिटी पे कोई भी क्लोजअप हो, चाहे वो स्टूडियो का हो या वेडिंग का हो, उस पे आपको ये जो टेक्निक है ये सिर्फ क्लोजअप के लिए है। अगर आप इसे लॉन्ग शॉट पे या लॉन्ग जो है यदि आप इसे लॉन्ग शॉट पे यूज करेंगे तो ये चीज काम नहीं करेगी, ये सिर्फ क्लोजअप के लिए है, उसका आप ध्यान रखिएगा। तो यहां एक्शन बनाना तो सभी को आता है, आप एक्शन के लिए एक नया एक्शन आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, और जिनको एक्शन रिकॉर्ड करने नहीं आता वो एक्शन किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं वो कहीं पे भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो मैं उस पे आपका समय खराब नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इसे बनाना है। तो जब कभी भी आपको क्लोजअप मिले, आपको पहला काम करना है 3 बार डुप्लीकेट करना है। तो कंट्रोल जे 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार आपने कंट्रोल जे प्रेस किया तो यहाँ पे 3 लेयर बनी। ये 3 लेयर जो बनी, इसमें से टॉप की 2 लेयर ऊपर की, ये दोनों को थोड़े देर के लिए डिसेबल करना है, और आपको लेना है लेयर 1। जैसे ही आपने लेयर 1 लिया, अब लेयर 1 के लेने के बाद आपको जाना है फिल्टर पे, पहला काम फिल्टर नंबर 1, आपको जाना है ब्लर, और ब्लर पे सबसे लास्ट का ऑप्शन है सरफेस ब्लर। सरफेस ब्लर जो है CS2 से लेके आपका CC2020 तक सारे फोटोशॉप के वर्जन पे दिया हुआ है, और आज जो मैं आपको रिटचिंग बता रहा हूँ इसे आप CS2, CS3, CS4 से लेके 5-6 से लेके आप CC2014 से लेके CC2020 तक किसी भी फोटोशॉप के वर्जन में कर पाएंगे। तो पहला काम सरफेस ब्लर। सरफेस ब्लर लेने के बाद आपको आपको करना क्या है, इसमें 2 चीजें दिखती है, एक होता है रेडियस, दूसरा होता है थ्रेशोल्ड। आपको रेडियस को लिखना है 50 और थ्रेशोल्ड देना है जस्ट उसका आधा, तो 50 का आधा होता है 25, 25 यहां आपको लिखना है 25। जैसे ही आपका ये इनपुट देते हैं, आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे सामने आपको इस तरीके का स्मूथ एक टोटल इमेज दिखेगा। अब सेकेंड जो ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन ये है कि सेकेंड लेयर पे क्लिक करें और उसे विजिबल करें, देन
आप यहाँ पे आए फिल्टर पे, और फिल्टर पे आप आए अदर्स पे, देन यहाँ पे करें हाई पास। अब हाई पास क्या होता है? हाई पास का काम होता है किसी भी फोटो पे डिटेल को प्रिजर्व करना, क्योंकि कभी भी आप फिनिशिंग करते हैं, ब्लर करते हैं, तो उसका डिटेल खराब हो जाता है। इसलिए यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर मैंने ली है और इस पे मैंने प्रिजर्व डिटेल के लिए डिटेलिंग निकाला। तो डिटेल कितना निकालना है इसको आपको ध्यान रखना है। यदि आपका फोटो शार्प है तो आपको 1.5 से 2 देना है, यदि फोटो शार्प नहीं है तो आप 2 के ऊपर से लेके 3.5 तक जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जाना है। तो मैंने यहाँ पे 2.0 दिया और इसे किया ओके। जब मैं ओके करूँगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये एक ग्रे कलर के रूप में दिखेगा, जिसमें बारीक डिटेल इस तरीके से दिखेगी। देखिए आंखों के पास और ये बालों के पास, ये डिटेल को आपको अब कन्वर्ट करना है ओरिजिनल डिटेल पे। तो ब्लेंडिंग मोड आपको नॉर्मल से लीनियर लाइट पे कन्वर्ट करना है। तो देखिए नॉर्मल से लीनियर लाइट पे सारा डिटेल जो है ओरिजिनलिटी के साथ आ गया। और थर्ड ऑप्शन आपका, तीसरा जो आपका लेयर है, तीसरे लेयर को विजिबल करें। और तीसरे लेयर पे आपको करना क्या है, आपको तीसरे लेयर को कंट्रोल शिफ्ट यू करना है। तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा ब्लैक एंड वाइट। और फिर आपको लेवल पे जाना है। लेवल पे जाने के बाद ये जो आउटपुट लेवल है इसे आपको 64 करना है ब्लैक, और ये इसका जो हाईलाइट है ये थोड़ा बढ़ाना है इस तरीके का। बस हाईलाइट आप कर सकते हैं 2 to 5, यहाँ आपको 64 और यहाँ पे हाईलाइट पे 2 to 5। ये करने के बाद आपको ब्लेंडिंग मोड इसका चेंज करना है सॉफ्ट लाइट पे, और जैसे ही आपने सॉफ्ट लाइट पे चेंज किया आपको ओपेसिटी करना है 40%। बस ये तीन काम आपने किए। जैसे ही आपके ये तीन काम हुए, ये तीनों लेयर को कंट्रोल के साथ इस तरीके से आप सेलेक्ट करें, और जब ये तीनों लेयर सेलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल जी दबाइए, तो आपका बन जाएगा ग्रुप। और ग्रुप बनने के बाद आप आइए यहाँ पे, आपके पास है एड लेयर मास्क बटन, इस पे आप अल्ट दबा के क्लिक करें। तो जैसे ही आप अल्ट दबाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का ब्लैक मास्क मिलेगा। जब कभी भी आपको ब्लैक मास्क मिले, ब्लैक के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए और फिर आ जाइए यहाँ पे ब्रश टूल पे। और ब्रश टूल पे आने के बाद यहाँ से आप ब्रश लीजिए सॉफ्ट राउंड ब्रश। सॉफ्ट राउंड ब्रश में आपको याद रखना है मोड नॉर्मल होना चाहिए, ओपेसिटी एंड फ्लो दोनों 100% होना चाहिए, और स्प्रेयर ऑन होना चाहिए। स्प्रेयर ऑन करने के बाद ब्रश को आप बड़ा करें और इस तरीके से ब्रश आप चलाना स्टार्ट करें। ऐसा देखिए इस तरीके से ये ब्रश आपने चलाया स्किन के ऊपर, तो आपका स्मूथ इफेक्ट डायरेक्ट आपका आने लगेगा। और आप इसे इस तरीके से यहाँ गर्दन पे भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए सारे दाग धब्बे अपने आप हट जाएंगे। और इसे हाथों के ऊपर भी इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। देन जब इतना आपका हो जाए तो आप ब्रश साइज छोटा करके आँखों के चारों ओर जहाँ पे काजल लगता हो इस तरीके से चलाएं, और जो लेंस है आँखों का इसके बीच में इस तरीके से ब्रश चलाएं, और थोड़ा ब्रश छोटा करके आईब्रो के ऊपर एक बार चला लें दोनों, और लिप के अंदर इनसाइड एरिया पे थोड़ा चला लें, आउटसाइड में नहीं। बस इतना आपको करना है। देखिए आपका यही इमेज बिफोर ऐसा था, आफ्टर ऐसा है। बहुत ही कम समय में आप इस तरीके की रिटचिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मेरे तो इसको बेसिक ही मानता हूँ, बट बहुत काम की है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो मैं यूट्यूब पे देता हूँ, जैसा कि आज का टॉपिक था, ये पसंद आता है तो मुझे लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। और भी जो आपसे रिलेटेड फोटोग्राफर्स भाई हैं उनके साथ मेरा ये लिंक शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा किसी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स।